लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुनाल बाबा, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी दूध पियो, चलो। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल नहीं जाओगे? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जाओ, जाओ स्कूल। अरे वाह वाह वाह, हमने सुना हमारा कुणाल गिर पड़ा, उसे चोट आ गई। लेकिन दादू, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, स्कूल क्यों नहीं जाओगे? अच्छे बच्चे सब स्कूल जाते हैं, तुमको भी जाना चाहिए। लेकिन अभी मुझे 100 रुपए चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं देंगे साहब। इस चरखे का दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। चल लीजिए उधर, उधर लीजिए और जा स्कूल जा। देखा, बिगड़ गए ना पड़े मियां। अब हम तुम्हें 100 रुपए देंगे तो बुआ नाराज हो जाएंगे, जब वो नाराज हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारी भी मुश्किल हो जाएगी, मेरी भी मुश्किल हो जाएगी। चलो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ, जाओ। सौ 200 रुपए और उसकी जेब में डाल देते, ताजमहल होटल में जाकर औरतों का नाच गाना भी देख लेता। अरे बुआ साहब, आप अबू बाबा को नहीं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक दिन मेरा और आपका जम के झगड़ा होने वाला है इस मामले में। अरे भाई, झगड़ा मत करना, झगड़ा मत करना। एक ही तो बेटा था, वो चला गया, अब उसकी अकलौती निशानी है ये एक। अब कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन उसको क्यों कमजोर बना रहे हैं आप? साहब, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये महल जो है ना, जिसको आपने इतनी मेहनत इतनी ईमानदारी से बनाया है, मिट्टी का ढेर बना देगा वो। ठीक है, लाड प्यार मैं भी समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भी देखिए आपका भाषण जो 50 बार हो चुका है और 500 बार फिर होगा। पता है चौथी सालगिरह उसकी? हाँ, परसों है। परसों उसका बंदोबस्त? हाँ, सब हो चुका है। I'm sorry, अबुबा। It is okay. हेलो साहब, मैं गणपत ड्राइवर बोल रहा हूँ। अपने मनोरी आलम के ट्रक पकड़े गए हैं और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है साहब। मेरे बीवी बच्चे वो आ गए हैं साहब। साहब मुझे बचा लो साहब, साहब साहब मुझे बचा लो साहब। हमारे ट्रक पकड़े गए और हमारे ड्राइवर गणपत को 14 साल की कैद हो गई। पुलिस को हमारा नाम न बताकर गणपत ने अपनी वफादारी का पूरा सबूत दिया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि उसकी बीवी और उसके बच्चे को 1500 रुपए महीना मुआवजे के तौर पर देना मुनासिब होगा। यू आर राइट सर जी। नहीं नहीं पार्वती, तुम इन लोगों को नहीं जानती। मेरा खामोश रहना ही मुझे जिंदा रख सकता है। तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए मैं उनसे अपने पति की जान की भीख मांग लूंगी। उन्नू बेटे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटे तुम जियो हजारों साल। साल के दिन वो 50,000। कुछ मजा नहीं आया अंकल, कोई नई बात तो करो। अरे हो हो हो। कुणाल के बर्थडे पर डबल मुबारक। डबल मुबारक क्यों? आज कुणाल के नाम पर एक और कंपनी खोली गई है, कुणाल केमिकल इंडस्ट्रीज। अरे महाराज, आप क्या आधे घंटे से हिला ही रहे हैं, आग तेज करो ना। और अब लाहौल वाला खोल ले जाओ। लिबर्टी शरबत पी ले। विस्की है। अरे विस्की है तो क्या हुआ, तू तो शेर का बच्चा है। पीजा पीजा पीजा। चीयर्स। सर, वो गणपत था ना अपना ड्राइवर, जिसे जेल हो गई है, उसकी बीवी बाहर गेट पर खड़ी है, आपसे मिलना चाहती है। मिस्टर डैंग जी, के से कहिए जरा सौरभ से मिल ले, क्या चाहिए उसे देख ले, ठीक से बात कर ले। ओके सर। इस नन्ही से जान पर तरस का ये साहब, मेरे पति को जेल से छुड़वा दीजिए। अरे तो हर महीने उसका मुआवजा भी मिलता तेरे को। साहब, पति के सहारे को पैसों से न तोलिए। देख, बड़े साहब के पुत्र का जन्म चल रहा है, है? ज्यादा बकबक की तो काट के रख दूंगा। ए चौकीदार, अरे मार के निकाल दे धक्के से बाहर। हाँ, हाँ, निकाल दो मुझे, लेकिन तुम भी कान खोल कर सुन लो, जेल से नहीं रहोगे तुम लोग, मेरा घर को होगा तुम्हारा और तुम्हारे साहब का। भैया जी। या। नहीं सरकार, बड़े साहब देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी है तो सड़क पर जाकर भीख मांगो। बोला
शराब पी तुमने? हाँ। शराब पी तुमने? पिया। साहब जी, आज हमारे दिल को बहुत दुख हुआ है। आज हमारे कुणाल ने दौलत और घमंड के नशे में एक नौकर के मुंह पर नहीं, हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। हमने आपसे कहा था ना साहब जी? हाँ, ठीक कहा था आपने। अगर हम इस बच्चे को अपने अंधे प्यार और दौलत के पानी से ही सींचेंगे तो जरूर ये जहरीला फल ही उगलेगा। सोना जब तक आग में नहीं तपता वो जेवर नहीं बन सकता। कदम जमीन पे हो और ठोकर खाए तो संभलने का सलीका आ ही जाता है साहब जी। ठीक कहते हैं आप। अब इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप कुणाल को हमसे इस दौलत से दूर कहीं ले जाएं, इसे लिखाएं पढ़ाएं, इसकी परवरिश करें, इसको जिंदगी की कदर सिखाएं, अच्छे बुरे की तमीज पैदा करें, इसमें इसे एक मुकम्मल इंसान बनाकर वापस लाएं। कुणाल के बगैर आप रह सकेंगे? हाँ, रह लूंगा मैं। सिर्फ आंखों से ही तो दूर होगा ना, वो दिल से दूर तो नहीं रहेगा। अपने बेटे के लिए मैं ये बनवास भी सह लूंगा अबूबा। अच्छी बात है, आज से कुणाल अबू मियां का बेटा है, एक गरीब का बेटा। मैं उसे अपने ढंग से पालूंगा, उसे सच्चाई, ईमानदारी और हिम्मत का सबक सिखाकर एक पूरा इंसान बनाऊंगा और फिर उसे इस घर में लाऊंगा। ये एक सच्चे नमक हलाल मुसलमान का अपने मालिक से वादा है साहब जी। परवरदिगार से बस इतनी दुआ है, मेरा वादा पूरा होने तक मुझे जिंदा रखे। अबू बाबा, क्या है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे बंबई जाना है दादू के पास, यहाँ अच्छा नहीं लगता। इधर आ। आज मैं तुझे तेरी असली कहानी सुना ही देता हूँ। तू जो है ना, उस दादू का कोई पोता पोता नहीं है और ना ही वो तेरे दादू हैं। उस बेचारे की तो कोई औलाद ही नहीं थी, पोता कहां से आएगा? दरअसल तू मेरा बेटा है, मेरे बच्चे, मेरी औलाद। औलाद की खातिर औलाद को दूर कर दिया, उसके उसूलों का महल बनाने के लिए अपने उसूलों का मंदिर तोड़ता चला गया शमशेर सिंह। दौलत पर दौलत कमाता चला गया, और उधर मेहनत और ईमानदारी से हटोगे? कभी नहीं। झूठों और बेईमानों से डरोगे? कभी नहीं। तो फिर उठो। JC & Company। जी हाँ, जगावर चौधरी,
बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, आज आपको पकड़ ही लिया। जब पकड़ ही लिया है तो आइए बैठ जाइए। शुक्रिया, बहुत फोन किया है आपको, मगर आपने ये आपका नाम जगावर चौधरी है ना? जी हाँ। आप केके के दोस्त हैं? जी। उसने अक्सर जिक्र किया मुझसे आपका। जी। कह रहा था कि आप कुनाल शिपिंग कॉर्पोरेशन का जहाज नागरिक खरीदना चाहते हैं। जी हाँ, किसी भी कीमत पर, क्योंकि उससे मेरे धंधे पर बहुत फर्क पड़ता है। उसके बेचने से मेरे दिल में बहुत फर्क पड़ता है चौधरी जी। कैसे? क्योंकि जिस चीज पर एक दफा मेरे पोते का नाम लग जाता है कुनाल, फिर मैं उसको अपने आप से अलग नहीं करता। और शोभराज जी, जिस चीज को मैं खरीदना चाहता हूँ उसे किसी ना किसी कीमत पर तो खरीद ही लेता हूँ। हवा में उड़ने वाले जहाज बहुत झटके खाते हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए चौधरी साहब, मैं आज बहुत बरसों के बाद अपने पोते से मिलने जा रहा हूँ और मेरा मूड बहुत अच्छा है, और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उस अच्छे मूड को आप खराब करने की कोशिश न करें। आपका पोता रहता कहाँ है? मेरा पोता यहाँ मेरे दिल में रहता है। और आपका बेटा? कुछ झटके ज्यादा ही लग रहे हैं चौधरी साहब, मेरे ख्याल से जाइए अपनी सीट पे पेटी बांध के बैठ जाइए। थैंक यू, बेहतर होगा। काम हुआ? फिलहाल तो तुम हिंदुस्तान से फौरन गायब हो जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इजाजत दीजिए। लेकिन आप जा किस तरफ रहे हैं? यहाँ गिंडी पार्क 30 मील दूर है। अरे मेरा रास्ता भी वही है, चलिए एक साथ चलें। कुछ वक्त और आपके साथ गुजरेगा तो मेरी खुशकिस्मती होगी। आइए। लाल गाड़ी आपकी है? जी हाँ आप ही की है हुजूर। चलिए आइए आइए हुजूर, आइए। ये पढ़िए साहब, पूना में सावंत परिवार का खून, कातिल का अभी तक पता नहीं चला, मैंने करवाया था। ये 12 फरवरी का अखबार, दमन के स्मगलर श्री चंद का कार एक्सीडेंट, मुझसे दुश्मनी मोड़ लेने की कोशिश कर रहा था। ये भी आप ही ने कराया होगा। आप काफी समझदार हैं। समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे तो दोस्ती का इरादा है हुजूर। अगर दुश्मनी हो तो क्या? तो वो जो आपकी कार पीछे आ रही है ना, आप उसमें होते, मैं इसमें, और आपकी जिंदगी का फैसला पल भर में हो जाता। वो कैसे? मैं इस बटन को दबा देता ऐसे। आप हंस रहे हैं? जी हाँ भाई, वो मेरी गाड़ी नहीं थी, किसी गलत गाड़ी में बम रख दिया आपने। जी जी, किसी बेकसूर की गाड़ी उड़ा दी, मेरी गाड़ी तो उसके पीछे आ रही है। मेरा ख्याल है चौधरी, सामने नारियल वाले की छावड़ी है, मेरा ख्याल है गाड़ी रोक कर थोड़ा सा नारियल पानी पी लें तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। ड्राइवर, अरे भाई वो नारियल वाले की झापड़ी के पास रोकना। तो ये जंगल में आपको नारियल की खूब सूझी, वैसे आगे एक रेस्टोरेंट भी था नजदीकी। नजदीकी आपकी मौत भी थी चौधरी साहब, आज बच गए आप। मतलब? मतलब ये जो छिछोरपन अभी आपने पीछे दिखाया है, इसके बावजूद हमने सोचा कि आपको जिंदा रहने का एक और मौका दिया जाए। शोभराज जी, आपकी बातों से
दुश्मनी की बू आती है। दुश्मनी की बू नहीं, दोस्ती की महक कहो। देखो किस तरह तुम्हें तुम्हारी उस लाल गाड़ी से हम खींच कर यहाँ ले आए, वरना इस वक्त तुम वहीं बैठे होते हमारी छड़ी के पास, और छड़ी में होती बारूद की सलाख, और हम इसको खोलते यहाँ से और दबाते छोटा सा बटन और तुम बारूद के साथ धुआं बन जाते। कैसे? ऐसे। बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना।